हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ मैक्स एकेडमी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी तक हम लोग एक्सेलरेशन की बात कर रहे थे। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों टाइप का होता है। आज हम लोग स्टडी करेंगे कि एक्सेलरेशन क्या नेगेटिव हो सकता है। हाँ, कुछ ऐसे केसेस हमारी डेली लाइफ में भी हम एक्सपीरियंस करते हैं जहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है। इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को आप डिसीलरेशन भी बोलते हैं, रिटार्डेशन भी बोलते हैं। किसी किसी बुक्स में ही होता है ये लिखा हुआ, पर आप याद रखेंगे कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन और डिसीलरेशन भी कहते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा, पर इसकी कंपल्सरी कंडीशन ये है कि अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव। फॉर्मूले से थोड़ा सा समझते हैं। व्हाट इज एक्सेलरेशन, ए इज इक्वल टू वी बाय डी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी बाय डी, या बोले तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा। कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर वेलोसिटी डिक्रीज होती है। एग्जांपल से समझना है, एक ट्रेन है जो स्टेशन पे जाकर रुकने वाली है। ट्रेन के जो ड्राइवर हैं वो क्या करेंगे, ब्रेक अप्लाई करेंगे। ब्रेक अप्लाई करने के कारण क्या हुआ, वेलोसिटी डिक्रीज हुई, इसलिए ये डायरेक्ट आपको रिलेशन दिख रहा है तो ये भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आगे देखते हैं, एक स्टोन है, एक पत्थर को आपने ऊपर की तरफ फेंका। जब आपने पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका तो आपने तो उसको वेलोसिटी या स्पीड दी, पर ग्रेविटेशनल फोर्स ने उसको नीचे की तरफ खींचा। जब अपोजिट डायरेक्शन में खींचा जाएगा तो उसकी स्पीड या वेलोसिटी कम होगी। जब वेलोसिटी कम होगी तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, हमने पहले बात की। इसके अलावा और कौन सा एग्जांपल, अगर कोई बॉल है वो फ्लोर पर रोल कर रही है कुछ ऐसे, तो अगर फ्लोर पर बॉल वी वेलोसिटी से चल रही है, रोल कर रही है, पर जो फ्लोर है उसका फ्रिक्शनल फोर्स उसके मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। आप लोग फ्रिक्शन के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। फ्रिक्शन फोर्स इसकी स्पीड को कम करेगा, वेलोसिटी को कम करेगा। जब वेलोसिटी कम हो जाएगी तो एक्सेलरेशन भी कम हो जाएगा। जब एक्सेलरेशन कम होता है तब आप उसे बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन या डिसीलरेशन या रिटार्डेशन। डिक्रीज इन वेलोसिटी हेंस एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। जब जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी एक्सेलरेशन नेगेटिव कहलाएगा। एग्जांपल, जब भी ब्रेक लगेगा तब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकेंगे तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। कोई बॉल रोल कर रही है, फ्रिक्शन के कारण उसकी स्पीड कम होगी, थोड़ी देर बाद जाके वो आगे जाके रुक जाएगी। किसके कारण होगा, फ्रिक्शन फोर्स के कारण होगा। डिसीलरेशन किस कारण से होगा, क्योंकि वेलोसिटी कम हो जाएगी, जहां वेलोसिटी कम है वहां पर वो कहलाता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। आज के लिए इतना ही।